आज हम बात करने जा रहे हैं रजौरी के सुंदरबनी की। तो भाइयों, सुंदरबनी बहुत ही खूबसूरत शहर बन चुका है आज, वो एक तहसील है। और पीछे बात चली थी कि सुंदरबनी और नौशहरा को मिलाकर एक ज़िला बना दिया जाए, क्योंकि रजौरी बहुत बड़ा ज़िला है और सुंदरबनी और नौशहरा को एक अलग ज़िला बनाने की मांग उठी थी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि सुंदरबनी 1947 से पहले तो था ही नहीं। था तो बताएं, कोई प्रूफ बताएं, था तो बताएं। लेकिन उस सुंदरबनी से हमारा इतिहास मिटा दिया गया। सिर्फ सुंदरबनी तहसील में जरालों की 3 जागीरें थी। एक तो मेन सुंदरबनी जिसको कहते हैं आज, वो तो था नहीं पहले, तो बजवाल जागीर थी मेन, वो थी, वो मुस्लिम जरार राजपूतों की थी। और एक क्षत्रिय सिंहों की थी जो कि लोहारा कोट थी, जो कि सुंदरबनी से थोड़ी ही दूरी पर है, जो कि छोटी जागीर थी। और इसके बाद कांगड़ी जागीर थी, वो तो बहुत बड़ी जागीर थी, पता नहीं कितने किलोमीटर तक थी, वो तो नौशहरा को छूती थी वो जागीर। और ये 3 बड़ी जागीरें थी सुंदरबनी की। और उसके अलावा जो ये नौशहरा का इलाका है जहाँ मंगला देवी फाट है, वो कि चक जराला वो गाँव आज पंचायत है, वहाँ बॉर्डर है वो LOC का, वहाँ तक जरालों की हुकूमत रही है जब रजौरी में राज था। आज भी वो बॉर्डर बना था, दूसरी साइड बिम्बर चिब्बों का है, तो वो बॉर्डर बनाया गया था। लेकिन सुंदरबनी की बात हम करें तो सुंदरबनी का 1947 से पहले नाम ही नहीं था। और जैसे कि आपको पता है कि 1947 के बंटवारे में जो क्षत्रिय जराल थे, जो कम आबादी में थे, वो तो जहाँ रह गए, चाहे रियासी या थोड़े से जहाँ भी बचे हों, लेकिन जागीरदार थे। लेकिन जो हमारे जो दूसरे हमारे कौम के खूनी भाई, वो दूसरे देश में चले गए। उनके जाने के बाद सुंदरबनी नौशहरा में तो है नहीं, ना के बराबर है। और रजौरी में तो काफ़ी सारे हैं आज भी, लेकिन उनके जाने के बाद उस बजवाल जागीर का नाम ही ख़त्म कर दिया गया। 1947 से पहले सुंदरबनी के नाम पर कोई जगह ही नहीं थी। वर्तमान सुंदरबनी क्षेत्र को बजवाल जागीर कहते थे, बजवाल जागीर कहते थे। वर्तमान जो बस्ती है सुंदरबनी, वो क्षेत्र निर्जन और वहाँ जाड़ियाँ ही जाड़ियाँ थी, उसके अलावा कुछ नहीं था। क्षेत्र के जागीरदार थे जो राजा परिवार से थे, राय गुलाम हुसैन जराल। तो वहाँ पर उनकी एक हवेली हुआ करती थी, एक टेली हुआ करती थी, वहाँ पर घोड़े बंधे होते थे, वहाँ पर घोड़ों को घास खिलाई जाती थी, जिसे वर्तमान सुंदरबनी के ऊपरी हिस्से में स्थित फुलवरी के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ पर आज भी किला है, पता नहीं अब तोड़ दिया है, खंडर कर दिया है बाकी किलों की तरह, हमें नहीं पता। लेकिन इसका इतिहास ये है कि जब बजवाल जागीर में आता था, 5-6 किलोमीटर, पता नहीं कितने किलोमीटर की रेंज का इलाका था, सिर्फ बजवाल जागीर ही 6 किलोमीटर थी। और उसके अलावा उनके पास तो बहुत सारे गांव आते थे, जो आसपास के बहुत सारे, पता नहीं कितने गाँव थे जागीर में। तो बजवाल के जो जागीरदार थे, राय गुलाम जराल, जो वो बहुत ही सम्मानित व्यक्ति थे, उन्हें महाराजा हरि सिंह ने बहुत सम्मान दिया हुआ था। महाराजा हरि सिंह जब भी श्रीनगर जाते थे तो उनको साथ में लेते थे, उनको अतिथि बनाते थे वहाँ पर। और उन्हें महाराजा हरि सिंह ने बहुत कश्मीर दरबार में जगह भी दी थी। और महाराजा हरि सिंह के दयालु व्यवहार के जवाब में राय गुलाम हुसैन जराल जब भी श्रीनगर जाते थे तो महाराजा हरि सिंह जी को एक घोड़ा जरूर भेंट करते थे। महाराजा हरि सिंह ने उन्हें बजवाल जागीर का मैजिस्ट्रेट भी नियुक्त किया था। और उस वक्त जो कि MLA बनते थे पूरे जम्मू कश्मीर में, जिसमें POK भी है, ये राय गुलाम सिंह जराल भी है जो कि MLA बनते थे उस वक्त, क्योंकि बाकी स्टेटों में चुनाव नहीं होते थे, पंजाब में होते थे और एक जम्मू कश्मीर में होते थे। तो वहाँ पर ये MLA भी बनते थे, बहुत ही सम्मानित चेहरा थे। 1947 के बाद जहाँ से हिजरत कर ली बहुत सारे लोगों ने, और दक्षिणी पुंछ क्षेत्र से कई लोग जहाँ आकर बस गए सुंदरबनी में। सुंदरबनी में जो लोग आकर बसे हैं, ये दक्षिणी पुंछ क्षेत्र जो कि POK में चला गया, वहाँ से आकर जहाँ बसे हैं। और उन्होंने उस स्थान पर जो इनकी जागीर में आता था, वहाँ पर झोंपड़ियाँ बनाई। उस समय ये सब खाली होता था और किसी को भी वहाँ कुछ भी नहीं थी रहायश। जब जम्मू पुंछ मार्ग खोला गया तो ये स्थान रजौरी और जम्मू के बीच केंद्रीय स्थान बन गया। और यात्री जितने भी थे, वो सब जहाँ पर चाय स्टॉल और दुकानों की आवश्यकता पैदा हुई, तो वहाँ पर फास्ट फूड सब खुलने लगा। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक स्थानीय निवासी पंडित सीताराम ने वर्तमान बस स्टैंड के पास एक छोटी सी झोंपड़ी बनाई और चाय के दुकान के साथ किराने की दुकान भी शुरू की। प्रारंभ में ये दुकान यात्रियों और इस गांव में बसने वाले प्रवासियों की ज़रूरत को पूरी करने लगी। इस तरह अन्य लोगों को भी प्रोत्साहन मिला
और उन्होंने अपनी दुकानें, ढाबे, चाय की दुकानें, दवा खाने आदि शुरू कर दिए, क्योंकि जो रास्ता जाता था नेशनल हाईवे बन गया था जम्मू रजौरी मार्ग। फिर यात्रियों के जल पान के लिए बसें इसी स्थान पर रुकने लगी। उस समय बस्ती के पास एक झरना था जिसे सुंदरवनी के नाम से जाना जाता था। एक झरना था उसको ही सुंदरवनी कहते थे, बाकी सुंदरवनी कोई इलाका ही नहीं था। ये सब जो बजवाल जागीर थी वो थी। तो उसके बाद क्या हुआ, पंडित सीताराम और अन्य निवासियों ने इस जगह को सुंदरवनी कहने का फैसला किया। उन्होंने क्या किया, क्योंकि जागीरदार भी चले गए थे, बजवाल जागीर भी नहीं रही, तो उन्होंने वर्तमान में ये टाउनशिप जो मौजूद है जहाँ को सुंदरवनी कहने का फैसला कर लिया। इसके बाद ये नाम दिन प्रतिदिन मशहूर होता गया, लोकप्रिय होता गया। बाद में इस नाम का आधिकारिक रिकॉर्ड में भी सुंदरवनी चढ़ा दिया गया और अब इस क्षेत्र के मूल नाम के बारे में कोई नहीं जानता, जो कि बजवाल जागीर थी, किसकी जागीर थी, किसका इतिहास था, किसकी रियासतें थी, हजारों सालों का किनका इतिहास था, वो सब भुला दिया और एक झरने के नाम को। सभी चाहते हैं कि हम क्षत्रिय समाज के ऐसे ही अपनी बेबाकी से आवाज़ उठाते रहें, तो आप सभी वीडियो के स्लाइड में एक ऑप्शन होगा थैंक्स, थैंक्स के जरिए आप सभी हमारी मदद कर सकते हैं।